चलो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ये देखो, अल्फा पार्टिकल इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। अब अल्फा का पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसमें सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। दिस इज द मूविंग इन सर्कुलर पाथ विथ रेडियस आर, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू प्लेन, और मान लो इसकी वेलोसिटी भी है, और पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम निकलिया ये वाला, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इस पे चार्ज देखोगे तो 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है और मास 4 टाइम्स। कहता है रेडियस भी दिया हुआ है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल अगर ये आर रेडियस में चक्कर लगा रहा है, इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है सेंटर ओ से, तो उस सर्कुलर पाथ में अगर आर रेडियस से मूव कर रहा है तो हमें उसकी लैम्डा निकालना है। तो अगर मैं इसका लैम्डा लिखूं तो एच अपॉन लीनियर मोमेंटम पी, तो एच अपॉन लीनियर मोमेंटम पी एम भी, तो एच अपॉन लीनियर मोमेंटम पी एम भी। अब यहाँ से मुझे इस अल्फा पार्टिकल का ना ही मास पता, नहीं वेलोसिटी पता, मोमेंटम नहीं पता है। तो हम सबको पता, अगर ये सर्कल में मूव करा तो इसकी रेडियस आर है। तो अब मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके होंगे कि अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी में सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस सर्कल का जो रेडियस होता है वो होता है एम बी ओवर क्यू बी। ये हम सबको पहले से पता है मैग्नेटिज्म से। तो यहाँ से मोमेंटम एम बी की वैल्यू आ जाएगी क्यू बी आर, ये वाली चीज़। तो ये वाली चीज़ अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा, पुट करूंगा, तो यहाँ से एच और एम बी की वैल्यू क्यू बी आर आ जाएगी, ये वाला चीज़ आ जाएगा, और ये आ जाएगा लैम्डा। तो यहाँ से मुझे लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ डायरेक्ट 6 वैल्यू रख दो, 6.63 × 10⁻³⁴ और डिवाइड कर दिया जाए क्यू। क्यू कितना है? 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ एंड बी कितना है? 0.25 × r रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। इस सर्कल का रेडियस कितना है? 0.8 सेंटीमीटर, मतलब 0.83 सेंटीमीटर में है 10⁻²⁰ मीटर। अब ये जो बाकी काम है कैलकुलेशन का वो तुम कर लेना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है, इतना लैम्डा एंगस्ट्रॉन में आ जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है।